हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.2। यहां है अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो सबसे पहले क्या रेगुलर हेक्सागोन हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है और इसकी ईच जो साइड है वो सब 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सभी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है। और यहाँ जो 5 माइक्रोकूलम का चार्जेस रखा हुआ है इसके ईच ऑफ वर्टिसेस पे, ठीक है। 5 माइक्रोकूलम, ओके, एंड 5 माइक्रोकूलम। अब हमको इसके सेंटर पे कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, इस हेक्सागोन के सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पोटेंशियल को देखते हैं कि पोटेंशियल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है क्या होती है, वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। क्यू चार्ज आर डिस्टेंस, जहां पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है वहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इसके सेंटर पे पता करना है पोटेंशियल, तो इस सेंटर पे इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा। तो कितने चार्जेस हैं ये, 6 चार्जेस हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इन सभी की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या रहती है, सबसे पहले हमको डिस्टेंस चाहिए होगी। जैसे हम एक 5 माइक्रोकूलम का ये चार्ज है यहाँ, इसकी वजह से हम इस पोटेंशियल पता करना है पॉइंट ओ पर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें पता करनी होगी, कितनी डिस्टेंस है ये, ओके, दिस डिस्टेंस। ऐसे ही सभी चार्जेस से हमको डिस्टेंसेस पता करनी होंगी, और वो सिंपल सी बात ये है कि वो सभी डिस्टेंसेस सेम होंगी, ओके, बिकॉज इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं हेक्सागोन में, है ना। सभी की लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये 10 सेंटीमीटर जितनी इसकी साइड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही सभी जो साइड हैं ये 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे डिस्टेंस पता करनी होगी सभी चार्जेस से, तो सभी चार्जेस से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर, ओके, सेंटर ओ। बिकॉज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की तो हमें ज़रूरत होती नहीं है, ऐड करने के लिए सिंपल उसको अर्थमेटिकली विद चार्जेस ऐड कर देते हैं, चार्ज का जो साइन होता है उसके साथ हम उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल हमें पता करना है, तो V इक्वल्स टू जो है, देखिए 6 चार्जेस हैं और 6 चार्जेस इक्वल चार्जेस हैं, या तो सबको ऐड कर लो अलग अलग निकाल के। सबसे पहले एक चार्ज की वजह से कैसे निकालेंगे हम, 9 × 10⁹ चार्ज कितना है, सपोज ये चार्ज ले लिया हमने 5 माइक्रोकूलम अपॉन व्हाट, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल V पता करना है ड्यू टू दिस। सपोज कर लेते हैं इसको A, B, C, D, E एंड दिस इज F। तो ड्यू टू A, ए पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से अगर हम निकालें तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। इस पॉइंट पर निकालना है सोर्स चार्जेस के लिए, ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम वाला, और डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.10 मीटर। और माइक्रो की जगह 10⁻⁶ यूज कर लेते हैं, ओके, 10⁻⁶। तो ये एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट ओ, जो कि सेंटर है इस हेक्सागोन का, ओके। ऐसे ही सभी के लिए अलग अलग निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे, इट मींस 6 टाइम्स हमको ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि हम इस इक्वेशन का 6 टाइम कर देते हैं, ओके, 6 टाइम कर देते हैं, तो यहाँ सेंटर पे एक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी वी। सभी को ऐड करेंगे, वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, वी ई, वी एफ, ठीक है, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो सेम हैं सभी के लिए। बस आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं और जो आपके आंसर हो जाएगा, 6 × 9 = 54 × 10⁻⁹ और 10⁻⁶ कितना हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई बाई 5 × 10⁻⁹, 10⁻⁹
थ्री हो जाएगा, 9 - 6 = 3 अपॉन दिस 0.10, तो इसे लिख सकते हैं हम 10^-2 0.10 को, और फिर ये ऊपर जाके हो जाएगा 10^2। ओके, अब क्या करना है आपको, बस सिंपल सी बात है, दिस 10^5 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 × 4 = 20 0 and 2 5 × 5 = 25 and 2 27 into this, या फिर इसे लिखें तो 2.7 × 10^6। ओके, तो इतने वोल्ट का पोटेंशियल इसके सेंटर पे होगा, क्लियर है बात। तो ये इसका आंसर है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करना था, कितना है 2.7 × 10^6 वोल्ट, क्लियर है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। थैंक यू।